हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पाकिस्तान डीजल के दाम घटा रहा है और हिंदुस्तान बढ़ा रहा है, क्या देश गलत पीएम की कीमत चुका रहा है? पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम एक बार फिर से आम आदमी के कमर तोड़ने के लिए तैयार है। सोमवार को दिल्ली में डीजल का दाम अब तक के सबसे ऊपरी स्तर पर चला गया। यहां डीजल 14 पैसे महंगा होकर 59.46 रुपए पर बिक रहा है, जबकि पेट्रोल 13 पैसे महंगा होकर 77.91 रुपए पर बिक रहा है। बढ़ते दामों के शिकार केवल दिल्ली के लोग ही नहीं बल्कि अन्य महानगरों के वासी भी हुए। कोलकाता और मुंबई में भी पेट्रोल का भाव 13 पैसे बढ़कर क्रमशः 80.84 रुपए और 85.33 रुपए प्रति लीटर हो गया। इससे पहले रविवार को भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे, जिसमें डीजल की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी। रविवार को दिल्ली में डीजल की कीमत 59.32 रुपए प्रति लीटर थी, जबकि पेट्रोल की कीमत 77.78 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई थी। आरटीआई में खुलासा, जनता को 79 रुपए में फ्यूल देने वाली मोदी सरकार दूसरे देशों को 34 रुपए में बेचती है पेट्रोल। पेट्रोल के बढ़ते दाम के कारण मोदी सरकार पर उत्पादन शुल्क घटाने का दबाव बढ़ा। पिछले 4 सालों में मोदी सरकार 11 बार से ज्यादा पेट्रोल और डीजल एक्साइज ड्यूटी बढ़ा चुकी है। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम कम थे, लेकिन अब जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम पहले के मुकाबले घट गए तो सरकार एक्साइज ड्यूटी नहीं घटा रही। पेट्रोल पंप डीलरों को मोदी सरकार ने दी धमकी, पीएम मोदी का प्रचार करें वरना नहीं होगी तेल आपूर्ति। वहीं पाकिस्तान के नवनियुक्त प्रधानमंत्री इमरान खान ने देशवासियों को पहला तोहफा देते हुए डीजल के दामों में लगभग 17 रुपए प्रति लीटर की कटौती करने का फैसला किया है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।